अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई विल टेल यू अबाउट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री फॉर 9th क्लास। वेडनेसडे को केमिस्ट्री का जैसा कि पेपर है, तो मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट जो वो बताऊंगी। एंड पहले मैं आपको पेयरिंग स्कीम बता देती हूँ कि कौन कौन से चैप्टर में से लॉन्ग आना है और कौन से चैप्टर के क्वेश्चन का कौन से चैप्टर के साथ पेयरिंग है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो कि पहला लॉन्ग होता है, उसमें से चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो सेकंड लॉन्ग होता है, उसमें से चैप्टर नंबर 4 और 5 में से लॉन्ग आएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है लॉन्ग वाला पार्ट, एंड वाला, वो चैप्टर नंबर 6 प्लस 7 में से लॉन्ग आएगा। तो अगर आप फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर को अच्छे तरीके से कर लेते हैं, इनके लॉन्ग जो कि वाजिया तौर पे नज़र आते हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपका जो लॉन्ग वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट चैप्टर में इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस, एंड टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में बोहर एटॉमिक थ्योरी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यूजेस जो हैं ये भी इम्पॉर्टेंट थे, लेकिन ये आई थिंक स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। और इस चैप्टर में से लॉन्ग तो नहीं आना, लेकिन इसमें से जो सेल एंड फीचर ऑफ पीरियोडिक टेबल है ये इम्पॉर्टेंट है, ये कर लें। और ये जो ट्रेंड्स हैं इनको शॉर्ट व्यू से देख लें। एंड फोर्थ वाले चैप्टर में जो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड हैं, ये चारों के चारों इम्पॉर्टेंट हैं, वो कोई भी पूछ सकता है। एंड फर्स्ट 3 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर मेटेलिक बॉन्ड आपको नहीं याद होते तो नो इशू, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आप ना करें, इसको भी आप पढ़ें, सारे टाइप्स को पढ़ें। उसके बाद इस चैप्टर में से बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ इम्पॉर्टेंट है, इसमें से न्यूमेरिकल नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू गुजरांवाला बोर्ड, लेकिन दूसरे बोर्ड्स का मुझे आइडिया नहीं है। तो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, सिंपल फार्मूला लगना है यहाँ पे चार्ल्स लॉ का, और यहाँ पे भी चार्ल्स लॉ का, और इनमें बॉयल्स लॉ लग रहा है, P1V1 = P2V2, इसमें भी वही वाला लग रहा है। बस जिस चीज़ को हमने फाइंड आउट करना है वो हमने इस साइड पे रखनी है, बाकी को हमने अरेंज करके मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस में से इम्पॉर्टेंट लॉन्ग है सॉल्युबिलिटी। ओके, और अक्सर उकात वो ये जो परसेंटेज वाली डेफिनेशन है ये भी पूछ लेता है, बट आई थिंक ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है, अगर हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7, इसमें से इम्पॉर्टेंट है ये वाला लॉन्ग, इम्पॉर्टेंट है, रूल्स भी इम्पॉर्टेंट है, और ये जो एग्जांपल्स बताई हुई हैं ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए, आप इसको शॉर्ट के लिए कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद इसमें से इम्पॉर्टेंट है रस्टिंग ऑफ आयरन, दिस वन। और उसके अलावा एक दफ़ा ये जो क्वेश्चन है ये वाला, ये भी आया था पेपर में, तो आप इसको भी गो थ्रू कर लें, बिल्कुल बहुत इजी है ये, जिस तरह वो पीछे वाला हमने देखा है उसी तरह ये भी। उसके बाद ये चैप्टर नंबर 8 में से तो लॉन्ग नहीं आएगा, लेकिन शॉर्ट आएगा। शॉर्ट का जो थर्ड पार्ट होता है उसमें 8 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 5 करने होते हैं, तो 4 शॉर्ट जो मुझे 7 चैप्टर में से आएंगे और जो दूसरे 4 हैं वो 8 में से आएंगे। तो आप इसको चैप्टर नंबर 3 को और चैप्टर नंबर 8 को शॉर्ट के लिए याद कर लें। ओके, बस इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें याद कर लें, जैसा कि इसमें ये फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है मेटल की।
और इसी तरह मेन मेन डेफिनेशन वगैरह इसकी याद कर लें तो आपका जो थर्ड पार्ट है शॉर्ट का वो कंप्लीट हो जाएगा। और MCQs आप कोशिश करें कि जो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं उन सब को पढ़ लें अच्छे तरीके से, तकरीबन आपके सारे MCQ जो हैं वो अटैम्प्ट हो जाएंगे। एक दो ही होगा जो अंदर से आएगा, और अगर आपने अंदर से अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो आपके वो भी आसानी से अटैम्प्ट हो जाएंगे। और हर चैप्टर में से एक एक दो दो न्यूमेरिकल, एक एक न्यूमेरिकल आएगा और कुछ चैप्टर में से दो दो न्यूमेरिकल आएंगे। इसी तरह जो शॉर्ट है, जो फर्स्ट पार्ट होता है शॉर्ट का, वो आएंगे फर्स्ट थ्री चैप्टर में से, पहले तीन चैप्टर्स में से पहला पार्ट आएगा और नेक्स्ट थ्री चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर थ्री का जो शॉर्ट वाला पार्ट होता है वो आएंगे। और जो क्वेश्चन नंबर फोर होता है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो 7 और 8 चैप्टर में से आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो फर्स्ट वाला लॉन्ग होता है सेक्शन 2 का, तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो स्कीम के मुताबिक, पेयरिंग स्कीम के मुताबिक अगर आपकी अच्छी तैयारी नहीं है तो आप पेयरिंग स्कीम के मुताबिक तैयारी कर लें। और बहुत ही शॉर्ट सिलेबस है और टाइम भी शॉर्ट है, एक दो दिन रह गए पेपर में। तो अगर आपने अभी तक नहीं याद किया कुछ तो आप इनको गो थ्रू कर लें तो आप पासिंग मार्क्स या अच्छे मार्क्स भी हासिल कर सकते हैं। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अपनी क्लास फेलोज़ के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।